हेलो गाइस, गुड इवनिंग. कैसे हो आप सभी? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे. मैं भी बहुत अच्छी हूँ. सो गाइस, अभी शाम हो रही है और ना मैं जा रही हूँ विशाल जी के साथ मंदिर. और क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत सी भी ठीक नहीं है, बट मेरे को यह है कि नहीं, मेरे को थोड़ा सा जाना है मंदिर में. और तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ अभी. और बस मैं कपड़े तो मैंने पहने हुए हैं, बस दुपट्टा ले लूँगी इस पर, है ना. और आके फिर मुझे खाना भी बनाना है और आके और भी बहुत सारे काम हैं जो निपटाने हैं मुझे. ओह सॉरी, है ना. तो फटाफट आप देख सकते हो कि मैंने ये वाले कपड़े पहने. ओह, आपने देखे ही थे, ये पहने हुए मैंने पिंक कलर की शर्ट और ये. सो गाइज, आके फिर मैं अपना खाना वाना बनाऊँगी, है ना. तो यहाँ की एक्स्ट्रा लाइट ऑफ कर देते हैं और चलते हैं हम खाने की तरफ, क्योंकि आके फिर भूख लगी और मेरा कोल्ड हो रहा है ना, तो इस वजह से मेरा बड़ा दिमाग सा ख़राब हो रहा है. कोल्ड होता है तो फिर मेरे आँखों में से पानी ना नाक बहने लगती है. तो बस चलो फिर फटाफट इस पर से ब्लैक्स पे हम ब्लैक दुपट्टा ले लेते हैं और चलते हैं. ठीक है, चलो आ रही हूँ लड्डू में. बच्चे पापा बना रहे मिठाई. गाइस ये बनी घी की लोई जो कि सबको बहुत पसंद है, मुझे छोड़ के. इसमें कम है ना, इसमें डालो. जाओ तो उजरे वाला खाओगे तो गेरू. अरे तो पतली सी हो गई, अरे उड़ जाएगी. थपथपा दो थोड़ा ऐसे, बस बहुत बड़ी होगी. बस ऐसे छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए. जम जाएंगे बिल्कुल, फिर इनके ना पीस कट जाएंगे बाद में. सारा मावा डाल दिया, मावा ज़्यादा. ले जाओ, जरूरत नहीं पड़ी वैसे फैलाने की, खुद ही फैल गई. किस किस को लोच पसंद है मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है. और ये मेरे लड्डू जी बैठे हैं यहाँ पे. हाय लड्डू, क्या कर ले बाबू. हेलो गाइस, गाइस अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ काम से और अभी बज रहे हैं 12:40 हो रहे हैं. अब मैं फ्री हुई हूँ जस्ट अपने काम से और ये देखो मैंने अपना पूरा सामान निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि मुझे कोलैब करना है. मुझे एक बहुत सुंदर सा पार्सल रिसीव हुआ है, इसकी मैं ओपनिंग करने वाली हूँ अभी. मुझे रील्स बनानी है, बट उस ओपन करने के बाद मैं आप लोगों को ज़रूर शो करूँगी, मतलब दिखाऊंगी आप लोगों को कि इसमें क्या आया है.
और क्या है, वैसे तो बहुत प्रिटी सा सूट ही है और वो मैं आपको दिखाऊंगी, बस उसके लिए मैं अभी थोड़ा सा ना रेडी हो रही थी। मैंने कहा पहले मैं वीडियो बनानी है तो मुझे पहले मैं देख लूँ कि मुझे क्या पहनना है। तो यहाँ पे मैं अपनी चूड़ियाँ सेलेक्ट कर रही हूँ, ये मेरी सारी चूड़ियाँ रखी हुई हैं इस तरीके से, इसमें तो कुछ भी नहीं है। सो वो मैं कर लेती हूँ और फिर उसके बाद हम लोग, मुझे ब्लैक चूड़ियाँ चाहिए थी, अब मुझे नहीं पता कि मेरे पास ब्लैक है। वैसे मुझे लगता है कि शायद मेरे पास ब्लैक है, बट एक बार मैं देख लेती हूँ ब्लैक चूड़ियाँ हैं कि नहीं है। मैं ढूंढनी पड़ती है यार, मेरा सामान सारा ना ज़्यादा हो जाता है। वाओ मिल गई, मुझे लग ही रहा था कि मेरे पास है ब्लैक कलर की चूड़ियाँ। सो मेरा पूरा सामान भरा हुआ है ना भाई, बहुत सामान हो जाता है एक लड़की का यार शादी के बाद, पहले नहीं था मेरे पास इतना सारा सामान, अब वो भी है। सो गाइज़ ये मैंने चूड़ियाँ निकाली जो कि मैं पहनने वाली हूँ और इस सूट के साथ, ठीक है, क्योंकि सेलेक्ट तो मैंने ही किया था तो मुझे पता है कैसा है। चलो रेडी होते हैं गाइज, सो मैं फटाफट ना पहले रेडी होती हूँ और फिर आप लोग को मिलेंगे। ओके, तो मैं बर्तन धो के आती हूँ तो हमेशा यहाँ से गीली हो जाती हूँ। सो गाइज मैं ना देख रही थी चूड़ियाँ पहन के कि ये मेरे को ठीक आएंगी या नहीं, लेट्स सी। वैसे तो मेरे साइज की है, ठीक तो आनी चाहिए। ब्यूटीफुल सा सूट रिसीव किया है माय आस्था बुटीक से, ये मुझे फुली स्टिच रिसीव हुआ है। सो गाइज आप लोग भी, अगर आप लोगों को भी इस टाइप के सूट्स सिलवाने हैं, वो खुद भी डिज़ाइन करती हैं और आप कुछ भी अगर उनको दोगे तो आप जैसा चाहोगे वैसा बना देंगे ये सारी चीज़ें। सो गाइज बहुत अमेजिंग कलेक्शन होता है उनका, आप एक बार उनके पेज पे भी जाके चेक करना और वैसे भी, ठीक है। सो बस मैं अभी रील्स बनाने जा रही थी, प्रमोशनल वीडियो तो बना रही मैंने, का एक दो रील्स बना लेती हूँ, तो चलो फिर बना लेते हैं अपनी रील्स। सो गाइज मैं आई हूँ अभी ऊपर रील बनाने के लिए, सो बना बना के फटाफट चलते हैं, लेट ना भैया 1:30 बज गए हैं। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी फिर अपना ब्लॉग वगैरह एडिट करूँगी, है ना। तो चलो मैं रेडी होके हो तो चुकी हूँ, बस वीडियोज़ वगैरह बना लूँ फिर आपको मिलूँगी। सो गाइज अभी मैं आ चुकी हूँ ऊपर, ये देखो रेडी होके, रेडी क्या, बस कानों में पहन ली, लिपस्टिक लगा ली, बिंदी लगा ली, माँग भी नहीं हो रही ठीक से, कल की हो रही हुई है। सो कोई बात नहीं गाइज, अभी बज चुका है 1:30 और मेरे को बहुत हेडिक हो रहा है, बस मैं थोड़ी वीडियोस बना के एक दो मैं फटाफट चेंज करके लेटूंगी, क्योंकि फिर मुझे व्लॉग्स भी एडिट करना है, रील्स भी एडिट करनी है, उसमें वॉइस ओवर करनी है, फिर उसमें विशाल जी आ जाएंगे, उनको खाना वाना दूँगी 3 बजे, सो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता सोने का। तो चलो गाइज फटाफट काम करते हैं, ये तो मेहनत तो करनी है। चलो सो गाइज आ गई मैं नीचे और अभी आप देख सकते हो कि 2 बजने वाले हैं, मैं सच में थक गई हूँ, अभी मुझे व्लॉग भी एडिट करना है, शाम को अपलोड करना होता है ना, और अभी मुझे अपनी रील्स भी एडिट करनी है, वॉइस ओवर करना है, उसमें फिर विशाल जी आ जाएंगे, उनको खाना देना है, तो मैं सोचूँ कि मैं 1 घंटा लेट जाती हूँ, 3 बजे आ जाएंगे वो, सो फिर है ना। तो चलो गाइज यार फटाफट लेटते हैं, थक गई हूँ मैं। हेलो गाइज, सो मैं अभी उठ चुकी हूँ और विशाल जी भी आ गए, इन्होंने उठाया मुझे, उनकी आवाज़ से उठ गई थी वैसे मैं पहले ही, इनकी आवाज़ से पहले ही उठ गई थी, अभी जस्ट मैं इनके लिए खाना लेके आई हूँ, खाना खा रहे हैं ये, और लेके आऊँ रोटी। तो गाइज खाना खा लेते हैं ना। सो गाइज अभी बस खाना वाना हो गया है, फ्री हो रही हूँ मैं, और गाइज आप सबको शिकायत होती है कि मैं व्लॉग्स डेली नहीं बना पाती, तो क्योंकि हमारे पति देव के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता, ठीक
हूँ। तो तुम्हें मेरे टाइम मिलने से क्या मतलब? यार मैं अकेले क्या बनाऊँ, अकेले क्या दिखाऊँ लोगों को? आप भी नहीं दिखते हो, आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। अरे वो देखना नहीं चाहते मुझे। तुम्हें नहीं देखना चाहते? कौन कहता है तुम्हें? मैं ही कह रहा हूँ, उन्हें सिर्फ तुम पसंद आती हो, मैं पसंद नहीं आता। नहीं ऐसा कुछ नहीं, अब तुम जान बूझ के कर रहे हैं ताकि आप कमेंट में इनकी तारीफ करो, ताकि आप कमेंट में लिखो। नहीं भैया हम तो आपको भी देखना चाहते हैं, फिर ये खुश होंगे, है ना? हाँ अपने कमेंट्स पढ़ के फिर खुश होते हैं। यार मैं सोच रहा हूँ ना कि दो चार धमाकेदार व्लॉग लेके आऊं। हाँ तुम बस मुझे रुलाने का प्लान सोचते रहते हो, बस पता है मुझे, रहने दो। आज मैं पूरा दिन ये सोच रहा था मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अच्छा देख रहे हो आप, मतलब फ्री टाइम में मैं सोच रहा था कि हमारी ऑडियंस, हमारे भाई लोगों को कुछ चटपटा मसालेदार मिलना चाहिए। सही बात है, अगर तुमने मुझे रुलाया। नहीं, तुम्हारे ऊपर नहीं है। सच्ची बता रही हूँ विशाल, बहुत बहुत तुम्हारे ऊपर नहीं है, बहुत पिट्टी कर दूंगी। बस एग्जीक्यूशन अब धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा, तुम्हारे लिए नहीं है। गाइज ये बहुत गंदा प्रैंक करते हैं, मेरे से नहीं हो पाता, ये तो मुझे रुला दे मैं बिल्कुल। अभी कहाँ कराया मैंने, अभी तो स्टार्ट भी नहीं। पहले तो किया था ना तुमने? कौन सा कराया मैंने? मैं बस पता है एक वो भी इतना खतरनाक वाला प्रैंक जिसमें मैं इतना रोई थी। मैं सिर्फ अब मैं कर भी लूं प्रैंक किसी के भी ऊपर करूं चाहे, उसमें क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। ओ मेरी रिंग कहाँ है? अच्छा मैंने चूड़ी उतारी थी, मैं डर गई, मेरी रिंग कहाँ गई? मैडम प्रैंक तो मैं करूंगा, मानसी को पकड़ लूंगा अगर तगड़ा सा प्रैंक। मुझे क्या नाम है उसे, क्यों रुला रहे हो? क्या रुला रहे? क्या हो, रुलाते हो तुम उसको? हाँ मैं रुलाता हूँ उसको, मैंने कहा मैं रुला दी बिना बात के। पहले भी आपने प्रैंक करवाया उससे, कितना रोई हो, है ना गाइस? रोई थी ना छोटे बच्चे को, रुला तुम्हें रुलाना मुझे अब। अच्छा बताओ चलो किसके ऊपर करो? तुम अपने ऊपर प्रैंक करवाओ। हाँ मैं करूंगी गाइस। पर तुम ढीठ हो ना, तुम समझ जाते हो। मैं हमेशा हार जाती हूँ। तो फिर प्रैंक की किस बात का, अगर मैं समझ गया तो? हाँ यार ये भी सही है, अब मैं करूँगी तुम्हारे ऊपर प्रैंक। देख मर्जी है तुम्हारी, देखना मैं करूँगा। गाइस मैं इनके ऊपर प्रैंक करने वाली हूँ। एक बार ना एक काम करो आप ना, मुझे आइडियाज दो कि मैं कैसे कैसे प्रैंक करूँ, सो तब मैं इनके ऊपर प्रैंक करूँगी। देखना तुम, देखना बेटा तुम, तुम्हारे ऊपर प्रैंक करूँगी ना मैं, तब पता। गाइज मैं करूँ भी तो, लेकिन मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरे को हंसी आ जा रहा है, यू सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। राके से लड़ाई हो जाओ मेरी, और मैं राके को हंसाना चाहूँ तो मिनटों सेकंडों में हंसा दूँ राके को। हंसा दिया आदमी का मैं। गाइज तो एक बात बताता हूँ, ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी लड़ाई ना होती हो, दिखाओ से मुझे। थोड़ा उठ जाओ ना यार, ना उठ जाओ यार, यार आराम कर रहा हूँ मैं तो। उस साइड आती हूँ मैं, रुक जाओ तो। इससे उस साइड से हो नहीं पा रहा ना मेरा, ऐसे हाथ जा रहा है। अब बताओ तो गाइस बात ये है, पकड़ लो तुम। बताओ एक मिनट, बताओ क्या बता रहे, क्या चुगली करना चाहते हो? एक राखे के आज मैं आपको हिडन टैलेंट बताता हूं। हिडन टैलेंट तो वो मेरा है, राखे का थोड़ी हुआ। अब बात क्या होती है, ये मेरी गुड क्वालिटी है। अब हमारी क्या है, लड़ाई दिन भर में चार बार तो हो ही जाती है जरूर। क्या बदतमीजी मत करो ऐसे, प्रूफ कर देना उसमें। तो बात ये होती है, अब जब मेरी राखी लड़ाई होती है, राखी बिल्कुल बोलती नहीं, ठनक के बैठ जाती है बिल्कुल ऐसा करके। अब मुझे पता है राखी को हंसी आ जाती है अगर मैं कुछ हंसी मजाक वाली बात करता हूँ। राखी कितने में गुस्से में हो, कितने ही गुस्से में क्यों ना हो, जब मैं इससे हंसी मजाक करना स्टार्ट करता हूँ ना, तो ये फिर हंस देती है। और जहाँ ये हंसी तो फिर इसका गुस्सा थोड़ी देर में छू मन पर। जानबूझ के करेंगे, देखिए इधर देखिए। हाँ हंसो मत, नहीं ऐसे मत करो, क्यों हंस रही हो, मुंह छुपा के क्यों हंस रही हो? और मैं पीठ फेर लेती हूँ अपनी और उधर देख देख के करती रहती हूँ, तो कहेंगे नहीं हंसो मत, कैसे कहोगे क्यों हंस रही हो? पार्ट क्यों हंस रही हो? एक बहुत तगड़ा व्लॉग, प्रैंक व्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है, देखते हैं कितने टाइम में आ सकता है वो। बस उसकी तैयारियां चल रही है अभी, उसकी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ मैं, और ये मैं बताऊंगा नहीं किसके लिए तैयार कर रहा हूँ, किसके लिए नहीं कर रहा। देख रहे हो यार, देव यार मेरे ऊपर, हाँ तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर नहीं, वो समय बताएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि घर वालों से गालियां भी मिलेंगी, हो सकता है एक आधा थप्पड़ भी खा लो।
इसलिए डर रहा हूँ मौसा करने से। सही है, देख लो मेरे, मुझे बख्श देना बस, मेरे ऊपर रहम खाना, मेरे ऊपर रहम खाना, तुम्हारे लिए ना। ठीक है फिर, थैंक यू। सो गाइज चलो अब हम इस व्लॉग का करते हैं एंड, होप्स हो कि आपको पसंद आ रहे होंगे, जैसे भी मैं टूटे फूटे व्लॉग्स बना रही हूँ। मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ व्लॉगिंग पे, क्योंकि यार अभी थोड़ा सा क्या करूँ मैं अकेले, क्या बनाऊँ डेली डेली समझ भी नहीं। अभी थोड़ा सा प्रमोशन का काम बढ़ रहा है ना, बाकी तो नज़र लगा रहे हो। नहीं अच्छी बात है, नज़र क्यों लगा रहा हूँ। तो गाइज अभी मैं सोचूंगी कि हाँ, वैसे मैं कंटिन्यू तो डाल ही रही हूँ, देखो जैसे टूटे फूटे आ रहे हैं, बस कभी कभार एक होता है कि एक दिन में थोड़ा सा मिस हो जाता है एक दो दिन, बट अदरवाइज मैं कोशिश करती हूँ कि यार मैं डेली व्लॉगिंग कर सकूँ, क्योंकि जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं ना, जो मेरे से प्यार करते हैं, उनको अच्छा लगता है मैं डेली मुझे देखना कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, समझे? बिल्कुल समझे पति देवा, बिल्कुल। देखो गाइस चलन लगा रही, ऐसे मत सोचो आप। चलो गाइस चार बज गए हैं, चार नहीं सॉरी 4:40 हो गए हैं, मैं चाय रख देती हूँ क्योंकि चाय बनने में भी टाइम लगेगा है ना, मैं रखती हूँ चाय इन दोनों के लिए, ठीक है। और गाइज कुछ लोग ना मेरे को ऐसे बोल रहे थे कि आप ऐसे ठीक है क्यों बोलते हो बार बार, तो ये वो मेरी आदत बनी हुई है वैसी, कुछ जैसे हर किसी की कुछ ना कुछ आदत होती है, मेरी भी वैसी आदत है ब्लॉगिंग करते समय कि हाँ मैं आप लोगों को कुछ बता रही हूँ तो बोल दूँगी अच्छा ठीक है ये वाला ऐसे ऐसे है और कुछ नहीं है, आप इतना सीरियस मत लो मेरे नहीं लो सीरियस, अच्छी बात है।